राम राम भाई साहब। राम राम संदीप भाई साहब, राम राम, और सभी वीडियो देखने वाले किसान भाइयों को भी हरियाणा डेयरी फार्म की तरफ से राम राम जी। धन्यवाद जी। भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस शेयर करें जी। मेरा नाम है मंजीत योगी जी, और एड्रेस अपना शहर है जो श्री गंगानगर है, स्टेट है जो राजस्थान है, और गाँव है अपना नाथावाली 2ML जी। नाथावाली 2ML विलेज का नाम है। हाँ जी, जो हनुमानगढ़ रोड पे फर्स्ट गाँव आता है जी शहर से निकलने से पहले। तो श्री गंगानगर मेन सिटी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से कितने किलोमीटर? 4 से 5 किलोमीटर का लमसम है। 4 से 5 किलोमीटर हाँ दूर है। तो आज की वीडियो में कितनी भैंस सेल के लिए अवेलेबल है जी? 2 भैंस दिखा रहे संदीप भाई साहब। 2 भैंस। हाँ जी, भैंस तो एनी टाइम 5-7 होती है, बिकती रहती आती रहती है फार्म पे जी। लेकिन तैयार भैंस होती है वो दिखाई जाती है। 2 भैंस है जो आपको तैयार है, जो दूध दिन के तैयार है 15-16 लीटर तक, वो दिखा रहे हैं जी। यानी कि निकालने वाला अभी दूध रेडी हो चुका है, आके निकाल सकते हैं। रहने सहने की पूरी व्यवस्था है, और आके किसान भाई आते रहते हैं, आपको पता है हमारे पास जी। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना जी, 90792-90784। तो ये नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर मेंशन होंगे। मैं संदीप स्वामी आप सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूं जी। सभी भाई वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें, और भाई साहब का काम पशुधन बाहर दिलवाने का भी है। हाँ जी, अगर कोई भाई को हमारे फार्म पे पसंद ना आए तो हम बाहर से भी पशुधन दिलवा देंगे जी, बाहर फील्ड में। हाँ जी, घूम फिर के कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तसल्ली से पशु दिलाया जाता है जी। तो पर पशु का 1000 रुपए ब्रोकरी चार्ज है जी। रहने सहने की पूरी व्यवस्था है, कोई उसका खर्चा नहीं है रहने सहने का। जो तेल लगेगा बाइक में या गाड़ी में वो भाई का लगेगा, किसान भाई का, बाकी कोई खर्चा नहीं है एक्स्ट्रा। पर एनिमल का बाहर से दिलवाने के 1000 रुपए ब्रोकरी चार्ज है, रहने सहने की खाने की व्यवस्था मिलेगी, और बाहर में अगर बाहर फील्ड में अगर घूमेंगे जो भी मतलब डीजल तेल खर्चा है वो कस्टमर का। हाँ जी, कस्टमर का, यानी कि बाहर फील्ड में निकल के प्रॉपर पूरा खर्चा कस्टमर का ही रहेगा। तो 2 भैंसे जायज रेट में भाई साहब? हाँ जी, जायज रेट में, और इनके दूध भाई साहब तैयार है 15-16 लीटर। अगर कोई भी भाई आएगा तो हम मिल्किंग करा के दे सकते हैं तैयार दूध के ऊपर 15-16। हाँ जी, तो इससे आगे भाई साहब दोनों भैंसों की डिटेल शुरू करते हैं, और सभी भाई वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, और रेट बिल्कुल जायज रहेगा जी। जायज ही रहेगा जी, एकदम जायज रेट। हाँ जी, आगे भी लगाते हैं, जायज ही होता है जी। जी, सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर पर यह भैंस आपको खोलकर चलाकर दिखाई जा रही है, साफ सुथरी अडर क्वालिटी की है। हाइट वेट में आप देख सकते हैं, ना बड़ी है ना छोटी है, बाकी जड़ थन की बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है। प्रॉपर इसकी डिटेल भाई साहब से लेते हैं, तो गोल रिंग सींग के अंदर है। क्या डिटेल है मंजीत भाई? ये 3rd ब्यात में है जी, 3rd लैक्टेशन में। हाँ जी, 3rd लैक्टेशन में है, और इसके दूध है जी अभी 15 किलो 15 लीटर दूध। और अभी देखो आप धार पाओ उसको, एकदम टैरिक हो टाइम दिखाओ जी, भैंस का अटर देखो, अगर भैंस के थनों में कोई धार या पाउस कुछ रहा है तो बताओ, और टाइम और वो दिखा दो सबको। यानी कि टाइम और डेट में व्यूअर्स को दिखा देता हूँ। हाँ, शाम का समय, मिल्किंग का समय, मिल्किंग का समय, और फिर भी भैंस के थनों में एक धार भी नहीं है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 4:36 हो चुकी है, फ्राइडे शुक्रवार का दिन है, 8 नवंबर को शाम को मिल्किंग के समय वीडियो कवर करके आप व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। बाकी भैंस अच्छी है, गूगल टाइम एंड डेट। तो ये आप देख सकते हैं गूगल पर, आपको टाइम और डेट फिर से मैंने दिखा दिया है, और मिल्किंग के समय वीडियो आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। 3rd ब्यात के अंदर भाई साहब बता रहे हैं ब्याई हुई है, 15 लीटर मौके का दूध तैयार है, जड़ थन की बहुत ही साफ सुथरी भैंस है आप देख सकते हैं। और भाई साहब कितने दिन की आज ब्याई हो चुकी है? आज ये 11-12 दिन की है, और अभी दूध तो ये 2 किलो प्लस और करेगी जी, अभी मेला मूला चलेगी भैंस। अच्छा जी। हाँ, बच्चे को दूध पिलाया हुआ है, बढ़िया तगड़ा बच्चा है, और अभी तो 2-3 किलो और भी प्लस कर सकती है भैंस, यानी कि 16-17 लीटर दूध निकाल देगी। हाँ जी, जिस हिसाब से टाइम टू टाइम प्लस ही हो रही है ये, 16-17 लीटर दूध निकाल देगी। 14-15 लीटर की कोई भाई मिल्किंग चेक कर सकता है आज की घड़ी। हाँ जी, कोई भी भाई आओ बढ़िया, देखो आपको पता आगे वीडियो लगती रहती है, सारा माल लमसम ऑनलाइन ही जाता है जी, रात तक कहीं भी कोई भी बुराई नहीं मिली है, जो बात बताएंगे वो होगी वही बताएंगे जी जी, और वही बतानी चाहिए। हाँ जी, ताकि कोई भाई मंगवाए विश्वास पर तो उसका विश्वास भी कायम रहे जी। और मंजीत भाई बिल्कुल जायज सा रेट क्या रहेगा जी? बिल्कुल वाजिब सा रेट, फिक्स रेट बता देना, जो मान सम्मान भी ना हो, मतलब यानी कि 82,000 रुपए की 500 किलोमीटर तक पहुंच करवा देंगे जी। 82,000 रुपए में 14 से 15 किलोमीटर आज की घड़ी मौके का दूध। हाँ जी, चुआई दुआई की बहुत अच्छी है, एकदम नरम चुआई की है जी। 82,000 रुपए दोस्तों, 82,000 यानी कि 82,000 रुपए में घर पहुंच, इसका 500 किलोमीटर दायरे के अंदर प्राइस है। स्क्रीन पर भाई साहब के नंबर दिए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। काफी अच्छी भैंस है, बिल्कुल जायज रेट के अंदर है, आप देख सकते हैं।
आज की घड़ी मान सकता है। इससे आगे मंजीत भाई दूसरे नंबर पर, आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और मुर्रा ब्रीड के अंदर आप भैंस देख सकते हैं। लंबाई भैंस की बहुत ही शानदार है, बिल्कुल पतली चमड़ी के अंदर है, ये भी ताजा ब्याई हुई है। प्रॉपर डिटेल भाई साहब इसकी, ये संदीप जी पीछे इसके कटिया है, जो पहले तो बता रहा हूँ M29 की है जी, M29 की पीछे फीमेल का आप कटिया है इसकी। आप भी जुटिया है, दूसरे ब्याह की जुटिया है जी। और दूध इसमें 15 किलो एकदम तैयार है, कोई भाई 14 भी मत मानो, 15 किलो की मिल्किंग कराओ अपने दोनों टाइम की। 15 लीटर आज की घड़ी मौके का दूध तैयार है। हाँ जी, दूसरे ब्याह की है जी, और ये कटिया इसके पीछे 7-8 दिन की ब्याई हुई है। तो दोस्तों अभी इसका भी आप देख सकते हैं, थनों में कोई भी धार पसमाव, बच्चा ले लो भाई साहब आगे ले लो, थनों में कोई भी धार पसमाव नहीं है, आप देख सकते हैं। टाइम और डेट मैंने वीडियो में शुरू में कवर करके दिखा दिया था। अंडर क्वालिटी की ये भी काफी शानदार है, देख सकते हैं चारों थनों में गैप भी काफी शानदार है। भाई साहब बच्चा पकड़ लो जी एक बार, भाई साहब बहुत अच्छे जंगल की है, नाड़ी के जंगल की है जी। जी जी, बाकी श्री गंगानगर की जो भैंसें होती है लंबे समय दूध देने के लिए मशहूर है जी, और उसी प्रकार की ये भैंस देख सकते हैं, बिल्कुल पतली चमड़ी के अंदर है, रेशम जैसी पतली चमड़ी है। और दूध भाई साहब बता रहे हैं कि 15 लीटर हाजिर दूध तैयार है, कोई भी भाई 14 भी ना माने, भाई किसी के ऊपर क्यों विश्वास करो, बढ़िया आओ, रहने सहने की पूरी व्यवस्था है जी। ये भैंस है बढ़िया, अपने हाथ से 2-3 टाइम मिल्किंग करके फिर आपके पैसे दे के लेके जाओ जी। यानी कि भाई साहब आज ब्याई को कितने दिन हो चुके हैं? ब्याई को इसको 8-9 दिन हुए हैं जी, 8-9 दिन की। हाँ जी, 8-9 दिन की ब्याई, और ये भी अभी और प्लस होगी दूध जी। अनुमान से कितना दूध निकाल देगी? हमारे आइडिया से 16-17 किलो दूध देना चाहिए इस भैंस ने, 16-17 लीटर। हाँ, जड़ थोड़ी कम दिखाती है लेकिन भैंस के दूध बहुत है, इसके 20 किलो तक की ओट मैं ले सकता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, बाकी कई बार होता है कि चकड़ी वाला लेवा होता है, नहीं, कम ऐसी एक दो भैंस मेरे पास पहले भी आई है जिनके नीचे 4 थन दिखाई देते थे लेकिन दूध उनके 18-18 किलो मैंने निकाला हुआ है जी। अगर आज की घड़ी मौके का दूध 15 लीटर तैयार है तो दूध कम से कम 17-18 लीटर तो आराम से, 15 लीटर की कोई भी भाई 14 ही मत मानो, 14.5 भी मत मानो, 15 लीटर की अपने हाथ से मिल्किंग करके ले जाओ। और रेट मंजीत भाई बिल्कुल जायज सा रेट जी, 20 किलो वाली है, मांगने को तो 1,00,000 मांग ले लेकिन 95,000 की 500 किलोमीटर तक पहुंच करा देंगे जी। 95,000? हाँ जी, 95,000 रुपए के अंदर घर पहुंच। हाँ जी, घर पहुंच करा देंगे, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री है जी। तो मंजीत भाई जैसे ये दो भैंसे तो अपने वीडियो में कवर करके दिखा दी है। हाँ जी, जैसे कोई भाई आता है जैसे 500 किलोमीटर तक आपने घर पहुंच प्राइस जो बताया है, हाँ जी, अपना व्हीकल लेकर आए तो कितना भाड़े में कम मान सकता है जी? देखो 5-6 हजार रुपए किराया लग ही जाता है जी। जी ठीक है, 6 हजार रुपए तो नॉर्मल है। हाँ, तो वो अपना किराया माइनस करके 90,000 रुपए कम दे के हमें भैंस ले जा सकता है आपका साधन लेके आए तो। अच्छा जी। हाँ जी, और जैसे बाहर से अगर फील्ड में बाहर से मतलब पशुधन दिलाते हो तो उसका क्या सिस्टम रहता है जी? देखो अब कई भाई कहते हैं भी हमारे पास आगे हमने 1,000 रुपए एक भैंस का ब्रोकरी चार्ज लेना है जी, ये हमने वीडियो पे लगा दी, हमने इनका 5,000 रुपए इनमें ऐड कर दिया जी। जी, अगर कोई भाई बाहर से पशु लेता है तो उसका किराया अलग से ही लगेगा जी। जी, उसका ट्रांसपोर्ट फ्री का कोई सिस्टम नहीं होता संदीप भाई साहब जी। जी ठीक है, वो अपना यहाँ के सौदा तय करो कितने का होता है, उसके बाद वो अपना व्हीकल करेंगे। हाँ, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमारे पास सारी है भाई, अगर कोई भाई एक भैंस भी लेगा तो उसके उसके घर उतने रुपए में पहुंचेगी। जैसे 6,000 रुपए भाई साहब बच्चा पी रहा है, जैसे 6,000 रुपए आप ऐड करके बता रहे हो, ये जैसे बड़ी बड़े ट्रक में जाती है कि पिकअप में जाती है जी? पिकअप में जाएगी जी, पिकअप का भाड़ा है 6,000 रुपए। और गाजियाबाद लोनी इधर मान लो ये बड़ोत बागपत मेरठ यहाँ का अगर कोई भाई बड़ी गाड़ी में लेके जाता है तो 3,500 रुपए भाड़ा लगता है एक पशु का। 3,500 रुपए? हाँ जी। और बस ठीक है, स्पेशल इसलिए है भाई किसे इंतजार ना करना पड़े, हाथों हाथ पशु सेल हुआ शाम को ही लोड करा दो पिकअप में, अगले घर अगले दिन पहुंच जाता है जी। बड़ी गाड़ी के लिए ऐसे एक रात रुकना पड़ सकता है जी। जी जी, तो ये रेटों में कोई मान सम्मान होगा का फिक्स रेट है भाई? ये मान सम्मान वाली बातें हैं, कोई धारनी वाले रस्से वाले छोड़ देंगे जी। वैसे अच्छी है दोनों, आपको पता आगे भी इतनी वीडियो लगती है कभी अपना माल तो रहा ही नहीं, अपना 2 घंटे माल सेल हो जाता है जी। वैसे साफ सुथरी है दोनों ही, दूध के हिसाब से और रेटों के हिसाब से भी बिल्कुल जायज है जी। हाँ, अपना फिर काम भी साफ सुथरा है जी, जो बात होती है वही बताते हैं, अगला यहाँ है तो ऐसे नहीं है हमें नीचा देखना पड़े, ये भैंस है अच्छी लगे बढ़िया यहाँ रहो सो 2-3 टाइम मिल्किंग करो, दोनों भैंस हैं उसके बाद अच्छी लगे तो पैसे देना जी, नहीं जी। अगले के कोई चार्ज नहीं है जी। जी, अगर इनकी मिल्किंग करेगा कोई भाई तो भाई साहब 5,000 रुपए पहले टोकन मनी लगानी पड़ेगी, हर वीडियो में कहता हूँ जी। जी ठीक है, अगर हमारा दूध ना अच्छा पूरा हो या हमारी धार पाउस ना अच्छी लगे तो भाई का हाथों हाथ 5,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अगर अच्छी लगे तो पूरी पेमेंट अकाउंट में आएगी, उसके बाद ही भैंस लोड होगी। तो धन्यवाद भाई साहब, राम 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 सभी भाइयों का। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।